जी हाँ गाइज, दौड़ने से अच्छा यानी कि रनिंग से अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं है, आप लोगों ने सुना होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि दौड़ने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता है, चाहे वजन घटाने के लिए हो, चाहे बॉडी फिट रखने के लिए हो, चाहे किसी भी बीमारी को दूर रखने के लिए हो। दौड़ना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको किसी भी स्पेशल इक्विपमेंट और जगह की जरूरत नहीं होती। जो लोग सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि दौड़ने के लिए उन्हें कितनी ज्यादा ताकत और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दौड़ने से न सिर्फ कैलोरी बर्न होती है बल्कि ये पूरी तरह से थका भी देता है। रनिंग करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही फूड सही आहार का लेना। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रनिंग से पहले और रनिंग के बाद में क्या खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रनिंग से पहले क्या खाना चाहिए। अगर आप सुबह में रनिंग करते हो तो आपको रनिंग से एक घंटा पहले सोकर उठना होगा। सोकर उठने के बाद 2 से 3 गिलास पानी पीजिए, इससे शरीर जल्दी काम करने लगेगा और सुस्ती भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए। फिट रहने के लिए बाहर निकलने से 15 मिनट पहले आप दूध, नींबू पानी, नारियल पानी या मिल्क शेक पीजिए। मिल्क शेक बनाने के लिए 2 केले 1 गिलास दूध में मिक्स कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके 15 मिनट के बाद आपको रनिंग शुरू करनी है। रनिंग करते समय ना तो एकदम से तेज दौड़ना शुरू करिए और ना ही एकदम से रुकिए। धीरे धीरे तेज दौड़ना शुरू करिए और ठीक वैसे ही धीरे धीरे दौड़ को कम करते हुए रुकिए। फिर लेटकर आराम करिए और स्ट्रेचिंग कीजिए। इस स्ट्रेचिंग से मांसपेशी का दर्द शांत होता है और रिलैक्स फील होता है। अब हम बात करेंगे कि आपको रनिंग के बाद क्या क्या खाना चाहिए। भीगे हुए चने 50 से 60 ग्राम अंकुरित चने लीजिए और इन्हें रात को सोने से पहले एक बर्तन में पानी डालकर भिगो दीजिए। फिर रनिंग के बाद इसको पानी से निकालकर ऐसे ही चबा चबा कर खा लीजिए और इस तरह आपको रोजाना करना है। यह एक तरह का टॉनिक है जो शरीर को एनर्जेटिक बनाता है। उबले हुए अंडे का सफेद भाग। अगर आप अंडे खाते हो तो आपको पता होगा कि अंडा प्रोटीन का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सोर्स है। अंडे के सफेद भाग में काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके पीले वाले भाग में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होते हैं, जिससे अगर आप दिन में सिर्फ 1 अंडा खाते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप 1 से ज्यादा अंडे खाते हो तो आपको इसका पीला वाला भाग निकाल देना चाहिए और उसके बाद उबले अंडे का सिर्फ सफेद भाग ही खाना चाहिए। दौड़ने के बाद 4 से 5 अंडे आप खा सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि उनमें से आपको पीले वाला भाग को निकाल देना है। केले का सेवन। केले में कैलोरी भरपूर मात्रा में पाया जाते हैं जो कि रोजाना दौड़ लगाने वालों के लिए बहुत जरूरी आहार है। ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसीलिए दौड़ने से पहले और दौड़ने के बाद आपको केले खाना चाहिए। अगर केला आप दूध के साथ मिक्स कर खाते हो तो आपको डबल फायदा होगा। इसका इस्तेमाल दौड़ने से 15 मिनट पहले और दौड़ने के बाद दोनों टाइम पे किया जा सकता है। रनिंग के लिए ये प्रोटीन दवा की तरह काम करता है, इसीलिए अगर आप रनिंग करते हो तो आपको केले का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। फ्रूट सलाद। दौड़ने के बाद फ्रूट सलाद यानी कि सभी तरह का ताकत देने वाला फल, जैसे कि सेब, केला, पपीता, अंगूर, संतरे या जो भी फल आपके पास हो उनको आपस में मिक्स करके खाइए। इनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो कि रनिंग करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही ये शरीर को कई तरह के दूसरी बीमारी से भी बचाए रखता है। सो ये कुछ फूड्स है, अगर आप रनिंग करते हो तो आपको इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, इससे आपको डबल फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।